facts and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer. तो चलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और ये जो लास्ट वाला क्वेसो कप का पार्ट वन जो हमने वीडियो बनाया था, उसी का सेकंड पार्ट होने वाला है। उसमें हम राउंड ऑफ 256 कवर किया था, उस पर हम लोग ने देन 128 का जो है मैं स्टार्ट करने वाला था। बट यहाँ पे एक जो है सीन हो गया है, देख सकते हो यहाँ पे जो रिप्लेस है भाई वो जा चुके हैं। सो राउंड ऑफ 256 था क्रिएटिव इंजरी के साथ, देन राउंड ऑफ 128 था बर्ड्स ऑफ हंटर के साथ। और मैंने पहले ही बोला था ये वीडियो जो है काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि ए वाला जो था ना, शॉर्ट मतलब ए वॉर का वीडियो, क्योंकि वो उतना ज़्यादा वर्दी अपोनेंट नहीं था एक तरह से बोल सकते हैं। एंड देख सकते हो स्टार्स भी नौ ही हुए थे, लेकिन मुझे कवर करना था उसके बाद जो हुआ था भाई, राउंड ऑफ कौन सा ए 64 था एंट्रोपी के साथ। एंट्रोपी गेमिंग काफ़ी एक तरह से नॉन क्लैन है, एक क्लैन ने बड़े बड़े क्लैंस के साथ जो है खेला हुआ है, एंड काफ़ी सारे फाइनल सेमीफाइनल इवन कुछ टूर्नामेंट्स भी विन किए वो लोग ने। एंड ये जो क्लैन है ना, राउंड ऑफ 64 में मिला था हमें, और भाई हमें लग रहा था विन होगा या नहीं होगा। हम लोग अभी एक्सपीरियंस्ड है बट रेगुलर नहीं थे। बट देख सकते हो इनके खिलाफ हमने 15 किया था। बट कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे रिप्लेस जा चुके हैं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, इसका स्ट्रीम ट्विच पे हुआ था। सो ये जो भाई ये जो टीम था ना, उनका स्ट्रीमर था एक, एंड उसी ने जो है वो इनका मैचेस स्ट्रीम कर रहा था। सो समझ सकते हो भाई कि काफ़ी सही टीम रहेगी, स्ट्रीमर वगैरह सब वो लोग ने खुद का ही ले रखा था, एंड काफ़ी अच्छे से उसने स्ट्रीम किया है। मैं वीडियो बनाता तो शायद उतना बेटर नहीं बनता, तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा, कमेंट्री इंग्लिश में है बट काफ़ी सही, आपको सब समझेगा अच्छे से। तो जाके देख सकते हो राउंड ऑफ 64 का मैच। एंड एक बार फिर से थोड़ा जो ऐप है उसमें हम देख लेते हैं राउंड्स किसके साथ मैच था, एंड बाकी टीम्स पे भी थोड़ा ध्यान देते हो कौन से टीम्स थे इस राउंड में और कौन से टीम्स बाहर हुए। सो चलो, ओके गाइस, सो देख सकते हो राउंड ऑफ 256 में क्रिएटिव इंजरी, सेकंड राउंड में जो एक क्लैन आपको दिखाया था वहाँ पे राउंड ऑफ 128 वाले में, एंड जो राउंड ऑफ 64 है उसमें हमें मिला था एंट्रोपी गेमिंग। सो एक बार देख लेते यार, ये नीचे स्क्रॉल नहीं हो रहा, अब होगा। सो हमारा मैच था, देख सकते हो बेनोलक्स जो उसके बाद मिला था राउंड ऑफ 32 में, उसके काफ़ी सारे टीम्स थे तो वो भी एक अच्छा टीम था, देख सकते हो एंट्रोपी गेमिंग। एंड यहाँ पे वन है, हम यहाँ पे विन हो चुके हैं। सो चलो देखते हैं एक बार राउंड ऑफ 64 में कौन सी टीम्स थी यहाँ पे। नो चांस, ये बेबी का क्लैन है, जैसे ये मैंने इनके ऊपर वीडियो कवर किया था एंड उसमें दिखा था एक क्लैन जो इनका भी स्पोर्ट्स क्लैन है अभी, एनजीटी क्वीन चाचा स्पोर्ट्स, देन वैंगार्ड गेमिंग फ्रॉम मुंडो यहाँ तक आ चुका था बट नो चांस आइस से हार गया। रिपोर्टेड गेमिंग विन किया वैलोर गेमिंग से, ब्लेस जेपी भी देख सकते हो 64 से 32 पे गया, जीएस यहाँ पे विन कर गया डॉक्टर एम स्कॉट से राउंड ऑफ 64 में। बाकी देख सकते हो अभी इंक्यूजिशन टीम है सीओसी वियतनाम से, ओनली फ्रेंड्स। सो अब टीम्स कम है तो सारे टीम्स देख सकते हैं, डार्क फिनिक्स देख सकते हो इंडियन टीम है, टीम एक्सो इटर्नल ड्रीम्स से यहाँ पे जो है लूज कर जाता है राउंड ऑफ 64 में और वो बाहर हो जाता है। आईटीपी जो है अपना ही क्लैन है, डोंट गेट मैट से यहाँ पे विन कर गया भाई, वो बहुत ही आईटीपी जो है बहुत ही आगे पता चलेगा भाई, वो लोग शायद राउंड ऑफ नहीं क्वार्टर सेमी या फाइनल तक भी गए थे आई थिंक, मैंने फॉलो नहीं किया लास्ट वाला बट अभी अपने को पता चलेगा टेबल में जैसे ही आगे जाएंगे। एंट्रोपी गेमिंग से हम विन किए थे राउंड ऑफ 128 मिस किया ना हमने इसमें जो है, ठीक है चलो राउंड ऑफ 128 आते आते शायद इंडियन टीम्स में से काफ़ी सारी जो नॉन टीम्स है अभी सही कर रहे हैं वो निकल चुके थे। डार्क फिनिक्स था जो बहुत आगे तक गया हमारे साथ, एंड और भी एक दो टीम था और इंडियन टीम्स जो राउंड ऑफ 32 में आ गए। सो यहाँ पे देख सकते हो राउंड 4 है, मतलब राउंड ऑफ 32 है था ये, और क्लैंस जो है काफ़ी कम बचेगी, देख सकते हो हागुरु मेटल से किंग्स ऑफ किंग इसमें विन कर गया, चाचा स्पोर्ट्स इंडोनेशिया से विन कर गया,
एंड वैंगार्ड गेमिंग जो है वो हार गया नो चांस हाइस से. ओके सो भाई ये अच्छा हो रहा है नीचे. हमारा टीम कहाँ है इस पर? ओके हमें मिला था स्पेस जंक जो था बेनालक्स और एसपी करके कुछ. तो चलिए वो मैच कवर करते हैं. दो मैच कवर कर सकता हूँ मैं, दो का रिप्ले बचा है भाई. बाकी जो नहीं हुआ उसका आपको रिप्ले मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है. सो लेट्स गो, ये राउंड ऑफ 32. ओके गाइस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अटैक किया था राउंड ऑफ 32 में वो हमारे तरफ से किलर ने किया था. इसमें टाइमली हिट्स थे. जैसे मैंने बताया राउंड ऑफ 64 में फर्स्ट 15 मिनट में दो अटैक्स करने होते हैं एंड बचे हुए तीन अटैक 15 मिनट में. 30 मिनट का वॉर होता है बट इसमें रहता है 5 मिनट प्रिपरेशन एंड 45 मिनट्स का वॉर रहता है और जो यहाँ पे होता है टाइमली हिट्स होता है. और देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा वैल्यू दे रखा है इसने. टाउन हॉल देन स्कैटर शॉट मिल रहा है और दोनों स्कैटर शॉट यार थोड़ा बच गया वो भी डाउन हो जाता. सो काफ़ी सही वैल्यू एंड मैं कोशिश करूँगा जितना फास्ट इसमें रख सकूँ बिकॉज जो है वीडियो बाद में काफ़ी बड़ा हो जाता है. तो देख सकते हो वहाँ पे उतना वैल्यू मिल गया है. यहाँ पे फिर क्वीन आ चुकी है, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं. और चलो यहाँ से जो है हीरो चल रहे हैं. यहाँ पे रेज आ गया बट रेज में कुछ नहीं गया था यहाँ पे और लास्ट में सिर्फ एक जो है ड्रैगन राइडर उसमें जा पाया. पर वैल्यू देख सकते हो ब्लिज़ार्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा था. अभी भी किंग एंड क्वीन की एबिलिटी बची हुई है और देख रहे हो सुपर वॉल ब्रेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिचुएशन में. सही वॉल ब्रेक करके दिया उसने और वो मल्टी जो है डाउन हो गया. सो दिस वॉज फर्स्ट अटैक फ्रॉम किलर. चलते जो है बाकी अटैक्स देखते हैं. ओके गाइस, सो द नेक्स्ट अटैक वॉज फ्रॉम इनेमी. पहला अटैक हमारे तरफ से किया था किलर 007 ने. दूसरा अटैक इनेमी की तरफ से आया, क्लैश विथ काइल फ्रॉम बेनेलक्स एसजी जो सुपर जंग था वहाँ पे दिख रहा होगा आपको राउंड ऑफ 64 का. पहले मैं नाम में कन्फ्यूज हो गया था भाई, फिर मैं क्लैन टैग वगैरह चेक कर रहा था तो सही था. एसजी मतलब स्पेस जंग एंड बाकी देख लो बेनेलक्स सोलो ने यहाँ पे इनके मेन टीम का नाम होगा. तो इनके काफ़ी सारे टीम्स थे आई थिंक इस टूर्नामेंट में. और इसने यहाँ पे जो है भाई इलेक्ट्रो के साथ ये ड्रैगन राइडर मिक्स करके अटैक किया है. इसका किंग काफ़ी गलत चला गया और सीसी में देख सकते हो कुछ अलग ही आर्मी दिख रहा है. वैसे भाई अटैक है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया. किंग कहीं और चला गया, सीसी निकल गया, इलेक्ट्रो सीसी के पीछे चले गए और आरसी यहाँ से आया उस साइड में, स्कैटर शॉट डाउन नहीं हुआ. सो देख सकते हो गलत हो गया काफ़ी इस बंदे का अटैक. क्लैश विथ काइल फ्रॉम इनेमी, लेकिन परसेंटेज फिर भी देख रहे हो 92 लेके गया. अगर ये डाउन कर देता ना वो ड्रैगन राइडर तो ये तीन भी हो जाता. सो दिस वॉज फर्स्ट अटैक फ्रॉम इनेमी साइड एंड चलते अब देखते हैं नेक्स्ट अटैक. ओके सो जो नेक्स्ट अटैक है वो मैंने किया था इनेमी पे, क्लैश विथ काइल. और देख सकते हो इस पर मैंने जो है ड्रैगन्स किए, ब्लिज़ार्ड हाइड्रा जिसको बोलते हैं भाई. तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं एंड मैंने यहाँ से जो है टाउन हॉल डाउन किया था पहले. और यही गलत सीन हुआ कि देख सकते हो टाउन हॉल मेरे को ना ये नहीं लेना चाहिए था. मैंने इसमें जो है सीसी में तीन सुपर विज़ार्ड्स एंड दो सुपर गॉब्लिंस लिए थे. तो सुपर गॉब्लिंस टाउन हॉल अर्ली डाउन किए एंड ब्लिज़ार्ड काफ़ी क्लोज था. सो मेरे को ब्लिंप ना थोड़ा दूर ही रखना चाहिए था एंड सीसी में जो है मैं सेफ सीसी लेके गया था तो वैल्यू काफ़ी कम मिला था यहाँ पे. फिर मैंने जो है बाकी ड्रैगन्स अपोजिट साइड से स्टार्ट किया. यहाँ पे मे बी वो सुपर लून्स जो है वो, हाँ भाई ये भी एक गलती है, मे बी नहीं वो मेरे से गलती से ड्रॉप हो गया था सुपर लून, सॉरी रॉकेट लून्स. भाई मुझे लगा मैं लून्स एंड ड्रैगन्स ड्रॉप कर रहा हूँ, बाद में मैं देख रहा हूँ अरे मेरे रॉकेट लून्स कहाँ गए, तो मैंने गलती से ड्रैगन्स के साथ ही ड्रॉप कर दिया. अब आपको पता चलेगा एंड में अगर वो रॉकेट लून्स मेरे पास रहते जो कि भाई एक तरह से नॉर्मल लून्स जैसे यूज़ हो गए तो ये बेस ट्रिपल करने में कितना ज़्यादा हेल्प होता. एंड देख सकते हो यहाँ तक सही चल रहा है. यहाँ पे जो है ओके भाई ये शायद से 99 रह जाता है, सॉरी मुझे लगा कि ये 92 हुआ था बट हाँ इसमें टाइम फेल हो जाता है मेरा. अगर वो रॉकेट लून्स वेस्ट ना होते ना तो
जो है भाई 3 हो जाता। सो सही अटैक था पर थोड़ी बहुत जो है गलतियाँ थी। चलते हैं नेक्स्ट अटैक, देखते हैं किसने किया था। गाइस सो हमारे तरफ से 2 अटैक हो चुके थे, 100 और 99। अब इनेमी ने एक अटैक किया था, 92 किया था। सेकेंड अटैक ये था इनेमी की तरफ से ल्यूसियो, एंड देख सकते हो वहाँ से फ्लेम फ्लिंगर आता है, इधर से क्वीन आती है और वहाँ से वॉल ब्रेक होता है। थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं, एंड इधर से हीलर्स आ गए, क्वीन पे डैमेज आ रहा है। किंग भाई सिंगल इन्फर्नो के सामने उसने ड्रॉप किया है, उधर से भाई वार्डन, इसका किंग काफ़ी गलत चला गया। आरसी को सिंगल ने पकड़ रखा है, फ्रीज है, टाइम पे फ्रीज दिया है इसने यहाँ पे। तो भाई टाउन हॉल के लिए प्लान क्या था, टाउन हॉल क्वीन से भाई ये क्वीन के साथ क्या हुआ, शायद हेड हंटर्स ने जो है और मेरा ध्यान नहीं गया, मे बी स्कैटर शॉट और हेड हंटर का डैमेज एक साथ आया। क्वीन से यहाँ पे टाउन हॉल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट भाई सॉरी किंग से, किंग के पास एबिलिटी नहीं है। एंड देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ये अटैक जो है मुसीबत में आ गया था। और 2 फ्रीज है अभी भी इसके पास, लून से और टाउन हॉल के अलावा और कहीं जाने का ऑप्शन नहीं इस बंदे के पास। अच्छा हुआ ईगल डाउन हो गया, टाउन हॉल वहाँ पर डाउन हो गया, एंड नाउ ही इज़ गोइंग फॉर परसेंटेज ओनली। देख सकते हो चारों साइड से मिनियन से इसने परसेंटेज लिए थोड़े बहुत, एंड एग्जैक्टली 69 पे एंड हुआ है इसका अटैक। ये था 4th अटैक फ्रॉम इनेमी। चलते हैं 5th अटैक पे। ओके सो द 5th वन वॉज फ्रॉम डॉन प्रशांत, और जैसे मैंने बोला इस वाले टूर्नामेंट में ना टाइम फेल्स का बहुत बड़ा इशू रहा था। बहुत सही सही अटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, बट मेरा देख सकते हो लास्ट अटैक 99 हो गया। एंड ए अटैक भी हम अगर ये गलती नहीं होती, मतलब टाइम फेल वगैरह ना होता ना, तो हर वॉर में 13-14 स्टार्स आराम से कर पाते। एंड मैंने पहले ही बता दिया ये अटैक भी टाइम फेल ही होने वाला है, बट आप देख सकते हो अटैक कितना सही रहता है वाला। यहाँ पे सुपर बॉलर्स आ गए, किंग जो है बाहर वॉक करना था उसको बट अंदर आ गया, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अटैक सही जा रहा है अभी भी। वहाँ से आरसी आ जाएगी एंड फनल बन चुका है, सब कुछ जो है बेस के बीच में जाएगा, और यहाँ से मल्टी भी डाउन हो चुका है। अभी भी एक फ्रीज पड़ा हुआ है, एक 2 फ्रीज है सॉरी, एक स्केलेटन है। एंड अब देख सकते हो टाइम का इशू आ रहा है, तो उधर से जो है क्लियरिंग विजार्ड से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सारे जो है 2 फ्रीज वहीं इन्वेस्ट हुए एंड एक स्केलेटन भी। देख सकते हो अभी भी क्वीन एबिलिटी बची हुई थी, बहुत सारा बेस नहीं था, छोटा ही बेस बचा हुआ था उधर, पर टाइम नहीं था। सो दिस वॉज सेकेंड टाइम फेल फ्रॉम अस, 3 में 3 ट्रिपल कर देते हैं हम लोग। तो ये था 5th अटैक। चलते हैं अभी इनेमी का अटैक, देखते हैं मे बी या किसने किया था, देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट अटैक जो इनेमी ने किया था मेरे ऊपर, मैंने इसमें बेस चेंज किया था सिम 99, और ये अटैक काफ़ी अच्छा किया था उसने, मैं लाइव देख रहा था, बट कुछ तो सीन हुआ था उसकी वजह से 3 स्टार नहीं हुआ था। देखते हैं अब यहाँ पे जो है फ्लेम फ्लिंगर आ गया, और देख सकते हो उसने यहाँ पे स्केली डोनट किया था और मल्टी एंड सीसी के लिए जा रहा है। देखते हैं, सीसी तो डाउन हो गया, यहाँ पे मल्टी भी डाउन हो गया है। सो जो वैल्यू चाहिए था इसको, उसने वैल्यू जो है निकाल लिया स्केली डोनट से। यहाँ पे जो है टाउन हॉल पे कुछ भेजेगा क्या, देख सकते हो वहाँ पे बाहर से बिल्डिंग्स थोड़े क्लियर किए हैं। नहीं, और फनल सेट कर रहा है किंग के लिए, एंड देख सकते हो क्वीन वहाँ पे आ गई। फ्लेम फ्लिंगर ने एयर डिफेंस भी डाउन कर दिया है। सो अब जो है किंग अंदर नहीं जाएगा, और यहाँ पे वॉल जो है वॉल ओपन था, यस वॉल ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। तो किंग जो है टाउन हॉल डाउन कर देगा यहाँ पे, और क्वीन देखते हैं पॉइजन में जाएगी या फिर क्वीन थोड़ा और वैल्यू लेगी बेस में। यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा, सिंगल को फ्रीज किया उसने, नाइस फ्रीज। यहाँ पे जो है फ्लेम फ्लिंगर से स्कैटर शॉट डाउन हो जाएगा भाई। तो देख सकते हो ऑलरेडी बेस में बहुत सारा वैल्यू कवर हो चुका है, क्वीन एक तरह से भाई फुल वहाँ पे वेस्ट हो गई। क्वीन से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिला, किंग ने टाउन हॉल डाउन कर दिया था। यहाँ पे हॉक्स आ चुके हैं विथ हेड हंटर्स, अर्ली वार्डन एबिलिटी, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, 2 हील है अभी भी। एंड स्कैटर शॉट को काफ़ी टाइम लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे भाई फाइनली डाउन हो गया स्कैटर शॉट,
और देख सकते हो यहाँ पे ना थोड़ा उसको, मुझे लग रहा था यहाँ पे बहुत बुरा फंस गया हो, क्योंकि कोई भी हॉक जो है मल्टी के पास नहीं गए, और मल्टी के साथ जो है एक वहाँ पे अपना आरसी भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका आरसी है, हेड हंटर टाइम पे आ गया। अब यहाँ से लग रहा था बेस भाई ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आरसी के पास एबिलिटी है और बेस में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बट जैसे हमारा भाई नसीब ख़राब था ना जैसे अटैक्स में, वैसे ही हमारा डिफेंस में भी नसीब अच्छा था कि भाई हमारे ऊपर भी टाइम फेल हो रहे थे, हम टाइम फेल कर रहे थे तो बहुत सही अटैक फ्रॉम सिम 99 एंड ए इनेमी की तरफ से एक टाइम फेल था। चलते हैं नेक्स्ट अटैक पे। ओके गाइस, सो ये अटैक किया था आई एम राइडर ने, और चलो देखते हैं अटैक। एंड देख सकते हैं वहाँ से लावा हाउंड आया, यहाँ से ब्लिंप आया, भाई अटैक बहुत सही है, और ये आपका हो सकता है इस पूरे वीडियो का सबसे फेवरेट अटैक हो सकता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सेफ सीसी, पहले गॉबलिंस वगैरह निकले, देन सुपर विजार्ड्स बाद में निकला टू अवॉइड जायंट बॉम्ब्स, अगर जायंट बॉम्ब आ भी गया तो सुपर विजार्ड्स बच जाए, इसलिए जो है पहले थोड़े गॉबलिंस आपको वहाँ पे देखने को मिले, और एक बलून भी था तो टाउन हॉल डाउन हो गया, थोड़ा बहुत वैल्यू भी मिल चुका है। अब यहाँ से जो है सुई के लिए फनल सेट हो रहे हैं, एक सुपर गॉबलिन आया वहाँ पे, किंग आ चुका है, क्वीन यहाँ पे आ चुकी है, एंड एक नॉर्मल गोलेम से यहाँ पे सुई किया जा रहा है, आइस गोलेम है ही नहीं इसमें, तो देखते वैल्यू कितना कवर होगा। यहाँ पे दो लून आ चुका है यार से टावर के लिए, एंड यहाँ पे इनेमिक क्वीन जो है वो डाउन हो जाएगी, स्कैटर शॉट डाउन हो जाएगा, एबिलिटी अभी तीनों हीरोज़ की एक की भी एबिलिटी पॉप नहीं की गई हुई है। यहाँ पे देख सकते हो चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर वो चाहता तो यहाँ पे किंग की एबिलिटी पॉप करता, बट उसने वेट किया फिर भी किंग की एबिलिटी गया, बट हमेशा अगर ये हो ना बॉम्ब टावर तो वहाँ पे अवॉइड करना, वरना जो बार्ब्स निकलते हैं भाई वो निकलते के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो लालो पार्ट शुरू हो चुका है, एक आइस हाउंड यूज़ हुआ था, आरसी मर गया, यहाँ पे किंग के लिए दो हेड हंटर आ चुके हैं, वार्डन एबिलिटी में हेड हंटर्स कवर हो गए हैं, और यहाँ पे स्कैटर शॉट जो है डाउन हो चुका है। अभी भी जो है पांच लून्स बचे हुए हैं, यहाँ पे मल्टी पे फ्रीज आया, बाकी सारे लून्स जो है वहाँ से आ गए, और फ्रीज दो बचा हुआ है, क्वीन एबिलिटी बचा हुआ है, सो पूरा एकदम ओवरकिल अटैक फ्रॉम आई एम राइडर, एंड ये हमारा अटैक था। इसके बाद हम भाई एक विनिंग पोजीशन में आ गए थे, क्योंकि इनेमी ने अभी तक लगभग सारे अटैक्स फेल किए थे और उनका लक भी नहीं था जैसा हमारा नहीं था, तो चलते देखते हैं नेक्स्ट अटैक में क्या हुआ। ओके गाइस, सो ये अटैक था इनेमी के साथ बॉम्बर से, एंड डॉन प्रशांत ने जो है ए बेस भी भाई उतना अच्छा नहीं था, बट नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट्स में देखते हैं यार थोड़ा ढंग के बेसिस लगा के खेलेंगे तो हमारे चांस और ज़्यादा सही रहेंगे। देख सकते हैं वहाँ से उसने क्वीन चार स्टार्ट किया है, क्यूसी लालो कर रहा है, तो फास्ट कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू बहुत है अपोजिट में, मल्टी देन ईगल मिल रहा है, सीसी भी बाहर आ जाए तो भाई डाउन हो जाएगी। उसने देख सकते हो क्यूसी के साथ किंग एंड आरसी भी वहाँ पे ड्रॉप किया है, सीसी बाहर आ चुका है, तो अगर क्वीन इसकी समझो क्वीन साइड आ गई ना इनेमी के तो भाई बेस के बीच में जाएगी, बट अगर उसी साइड घूमते रहेगी तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर मल्टी सारे हीलर्स को मार देगा, बट देख सकते हो आरसी ने ग्राउंडेड एक्सपो डाउन हो गया है, तो क्वीन विल मूव दिस साइड ओनली, जहाँ से वो मल्टी को डाउन कर पाएगी, तो भाई बेस में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अभी भी फ्लेम फ्लिंगर काम कर रहा है, और यहाँ पे जो है मल्टी डाउन हो जाएगा, हीलर्स सारे बच जाएंगे, एक हेड हंटर उसने ड्रॉप किया फॉर दैट आरसी, एंड टाउन हॉल से इसने लालो स्टार्ट किया, वार्डन भाई वार्डन अभी बचा हुआ है, मुझे लगा उसने इतना वैल्यू मिला ना देख के लग रहा था कि हीरोज़ के साथ ही वार्डन यूज़ किया, बट वार्डन उसका होल्डेड था, सो बहुत ही सही अटैक फ्रॉम बॉम्बर। ए इनेमी जो है टॉप 32 में आई थी, तो ऐसा नहीं था कि इनेमी वीक थी, कुछ अटैक्स में प्लान उनके गड़बड़ हुए, बाकी कुछ अटैक्स आप देख सकते हो कितना सही प्लानिंग था, तो दिस वॉज 8th अटैक शायद वॉर का, दो और बचे हैं, देन उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे कि ये वॉर में क्या हुआ, हम 32 से आगे जा पाए या नहीं,
तो चलिए फास्ट कर लेते थोड़ा। तो ए अटैक था ऑन डॉन प्रशांत फ्रॉम बेनेलक्स, बॉम्बर नाम था प्लेयर का। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट अटैक की तरफ। ए किया था वेजिटा ने एंड ए बेस है देख सकते हो। इस पे अपने को अब यहाँ से हमें सिर्फ परसेंटेज चाहिए था 80 या 75 के अबव टू विन, कोई रिस्क नहीं लेना था। तो यहाँ पे देख सकते हो वेजिटा को सेफ जाना था यहाँ पे। यहाँ से फ्लेम फ्लिंगर पे थोड़ा डैमेज आया आर्चर टावर का एंड यहाँ पे टाउन हॉल देख सकते हो। अब टाउन हॉल अगर डाउन यहाँ से नहीं होता भाई तो आरसी ड्रॉप करना पड़ता एंड टाउन हॉल जो है यहाँ पे डाउन हो जाता है फ्लेम फ्लिंगर से ही। और यहाँ पे सुपर बॉलर्स थोड़ा सा फंस गए, किंग आगे चला गया और स्प्रेड हो गए भाई सुपर बॉलर्स थोड़े बहुत। तो इसी वजह से जो है ना ये अटैक थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे मल्टी डाउन हो गया। और यहाँ से जो है परसेंटेज के लिए देख सकते हो सिर्फ परसेंटेज कवर करना था ताकि मैक्सिमम परसेंटेज हम कवर कर पाए फोर विन। और दिस वाज आवर लास्ट अटैक एंड इसके बाद जो है इनेमी का फाइनल अटैक देखेंगे हम। ओके गाइस सो फाइनल अटैक फ्रॉम एलेक्स बेनेलक्स एसजीए से। और ए बेस मैंने बोला काफ़ी सही है, लास्ट वाले में भी बोला था एंड देख सकते हो यहाँ से क्यूसी स्टार्ट हुआ। इस बंदे ने भी जो है ना ये किया है, क्या बोलते उसको, क्वीन चार्ज लालो किया है। पर भाई देख सकते हो इधर क्वीन ने, हाँ ये अटैक जो है ना बहुत बेकार हो गया था भाई। मुझे लग रहा था ना, सबको लग रहा था एक स्टार ही होगा बट लास्ट में दो स्टार वो कर देता है विद द यूज़ ऑफ इनविजिबल एंड सारे लून्स जो है ना टाउनल की तरफ मूव कर देता है। यहाँ से उसने फिर लालो स्टार्ट किया, देखा कि क्वीन भाई गलत जा चुकी है पूरी। यहाँ पे एबिलिटी भी यूज़ किया, रेज जो है क्वीन के लिए यूज़ नहीं किया। यहाँ पे क्वीन भी जो है मर जाएगी, हेड हंटर लेट आया। अब यहाँ से देख के लग रहा होगा कि आपको एक स्टार हो जाएगा बट देख सकते हो इनविजिबल का इससे बेटर यूज़ क्या हो सकता है। सारे लून्स के ग्रुप को उसने मूव कर दिया एंड यस आई वॉज रॉन्ग, यहाँ पे क्वीन उसकी बच जाती है बट ये अटैक भी जो है ना थोड़ा मेस अप हो जाता है। इनेमी अच्छी थी बट उनका दिन नहीं था, थोड़ा अटैक्स गड़बड़ हुए। और ये अटैक लास्ट है इनेमी की तरफ से एंड इसके बाद देखते हैं जो फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा था इस वॉर का। 92 पे चला गया देख सकते हो, 92 पे ही एंड होगा। सो ये वॉर का जो है रिजल्ट 12-11 रहा था, मेरा 99% हो गया था। हमने इससे पहले सारे वॉर्स में एटलीस्ट 13 स्टार्स तो किए थे, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हो 13 देन 15 उसके बाद 12 हो गया। ये भी 13 होता पर मेरा टाइम फेल हो गया था फर्स्ट अटैक ही। और परसेंटेज देख सकते हो 93 रहा है इसमें एंड इनेमी ने किया था 89.80। सो इसके बाद जो है राउंड ऑफ 16 में आ गए थे हम भाई इस क्वालिफायर 4 के। और चलिए देखते हैं राउंड ऑफ, वैसे मैंने रिजल्ट शो कर दिया ना, कोई बात नहीं भाई, चलिए अब देखते हैं आगे के मैचेस। ओके गाइस चलो लास्ट वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया था तो मैं ये वीडियो शॉर्ट ही रखना चाहता हूँ एंड मैं अभी इस वॉर का जो है डायरेक्ट रिजल्ट ही दिखा देता हूँ एंड थोड़े रिप्लेस दिखाऊंगा कि इसमें क्या मिस्टेक्स हुए। और देख सकते हो ये इनेमी जो था आर्जेन फेस्ट था एंड ये था राउंड ऑफ 16, टॉप 16 टीम्स ही इसमें बची थी एंड इसमें बस एक ही ट्रिपल हुआ था, वो था किलर 007 की तरफ से। तो पहले उसको देख लेते हैं देन बाकी जो है कुछ अपने अटैक्स भी देखते हैं जिसमें हमारा लक थोड़ा ख़राब रहा। और यहाँ पे देख सकते हो किलर ने जो है इस ड्रैगन राइडर से यहाँ पे कितना ज़्यादा वैल्यू कवर किया है। देखते हैं ड्रैगन राइडर से मल्टी भी डाउन हो जाएगा क्या। दूसरे साइड से जो है ड्रैगन्स आए एंड उनके पीछे जो है ब्लिंप में था सुपर विजार्ड्स। ओके मल्टी डाउन नहीं होगा बट वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है। और देख सकते हो वहाँ पे टाउन हॉल मिल जाएगा और क्लैन कैसल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे एक और इनविजिबल सिंगल ये डाउन हो जाए ना सिंगल भाई तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा बट सिंगल डाउन नहीं होता है। और दूसरे साइड से फिर हीरोज आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हो आरसी अर्ली आता है। पहले मुझे लगता था भाई अर्ली
अर्ली आरसी ड्रॉप करने से एक तरह से आरसी थोड़ा वेस्ट हो जाता है, बट उसका ये भी फ़ायदा है कि जो आगे डिफेंसेस रहते हैं ना वो जल्दी डाउन होते हैं, देन हीरोज़ पे किंग क्वीन पे उतना डैमेज नहीं आता, प्लस उसके बाद हमेशा दो फ्रीज तो रहता ही है फॉर हीरोज़, और एक आइस गोलम भी लेके आता है, तो भाई वो भी सही है, उसका एक वे है। एंड देख सकते हो अभी भी किंग क्वीन की एबिलिटी बची हुई है और आरसी भी अभी तक बचा हुआ है, तो बेस में अब उतना कुछ बचा नहीं है। एक सुपर वॉल ब्रेकर है, एक सॉरी रॉकेट लून है और दो मल्टी इन्फर्नोज है, सो बहुत ही ज़्यादा ए स्ट्रॉन्ग अटैक फ्रॉम किलर 007। बाकी अटैक्स देखते हैं, बाकी डॉन का 99 हो गया था स्टार्ट में, यही मैं बोल रहा था कि टाइमफेल जो है बहुत बड़ा इशू रहा था इस वाले में। एंड ए भी हम 13 पेंट करते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे, और यहाँ से देख सकते हो वार्डन वॉक स्टार्ट हुआ था फ्लेम फ्लिंगर से, यहाँ पे स्टार्ट के जो बिल्डिंग से क्लियर किया जा रहा है, टाउन हॉल लिया जाएगा यहाँ पे वार्डन वॉक से, और टाइम देख सकते हो 1:50 बचा है, किंग यहाँ पे आ गया, भाई इतना सही अटैक के स्टार्ट हुआ था ना, पर टाइम फेल हुआ तो भाई काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सही अटैक था ये भी। सारे अटैक्स के ऐसा डॉन ने भाई सारे वॉर्स में लगभग ही 3 स्टार किए थे, टाइम फेल ही हुआ था बस उसका शायद, तो यहाँ पे फ्रीज आ गया, सब कुछ सही जा रहा था। फास्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो टेस्लाज आए और फ्लेम फिंगर जो है वहीं पे ख़त्म हो गया, वरना वो मल्टी जो है भाई वो डाउन हो जाता, वही मल्टी लास्ट में बच जाता है, नहीं सॉरी मल्टी डाउन हो जाता ना तो भाई वो आरसी दूसरे बिल्डिंग्स क्लियर कर देते, तो दिस वॉज 99 और ये वॉर का फर्स्ट अटैक था, तो अब तो भाई समझ सकते हो ना कि लगभग 12 था। अब एक और अटैक दिखा देता हूँ जो मैंने किया था, और मैं भी जो है यहाँ पे लास्ट वॉर जैसा जो अटैक मैंने किया था सेमी आर्मी दिख सकता है, बट यहाँ पे जो है एक मैंने दो जैप ऐड किया था फॉर दैट स्वीपर, क्योंकि ये स्वीपर डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें वैल्यू भी मुझे मिल जाता है थोड़ा बहुत, लास्ट वॉर में नहीं मिला था पर, और लास्ट वॉर में रॉकेट लून्स वगैरह गलती से यूज़ कर दिया था मैंने, बट ए वॉर हमको पता था टॉप 16 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उतने ही जो है मैंने ध्यान से अटैक इसमें किया था, पर यहाँ पे जो है ना लावा हाउंड, मुझे पता था लावा तो बाहर आएगा ही अगर मैंने हीरोज़ वहाँ से ड्रॉप किए हैं तो, पर लगभग देख सकते हो यहाँ पे सीसी डाउन होने ही वाला था, ड्रैगन्स थोड़ा और टाइम लेते तब तक सीसी निकल आया, और सही जाता हुआ अटैक यहाँ पे जो है 3 नहीं होता है, देख सकते हो स्कैटर भी जो है हाफ हेल्थ पे है, भाई अगर स्कैटर भी डाउन हो जाता ना टाइम पे तो कुछ हो सकता था यार, पर देख सकते हो मैं पॉइजन लेके आया था पर पता नहीं कहाँ यूज़ किया, सो ये मेरा अटैक था राउंड ऑफ 16 में जो फेल हो गया था। एंड इनेमी के भी अटैक्स यार देख लेते कुछ, थॉमस ने किया था नंबर 5 पे, इनके अटैक्स काफ़ी सही थे इस वॉर में, तो देख सकते हो सेफ सीसी से टाउन हॉल डाउन किया, एंड इसने जैप और अर्थक्वेक लाया था उसके आगे वाले जो सिंगल इन्फर्नो के लिए शायद, यहाँ पे सुपर गॉबलिन से फनल क्वीन एबिलिटी जा चुकी है, पर देख सकते हो वापस हील हो रही है यहाँ पे क्वीन, आरसी यहाँ से आ गया, देन लालो यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया मल्टी, देखते हैं क्वीन डाउन कर पाएगी या नहीं, क्वीन तो नहीं पर आरसी डाउन कर लेगी, क्वीन भाई अभी तक सर्वाइव कर रही है, इवन एबिलिटी स्टार्ट में ही क्वीन का चला गया था फिर भी, सो ये था थॉमस का अटैक, बहुत सही अटैक किया था, एंड एक लाइन जो है भाई काफ़ी सही थी। नेक्स्ट अटैक देख लेते फ्रॉम TME, और इसने जो किया था ये था सुई लालो, देख सकते हो यहाँ से किंग एंड क्वीन जंप यूज़ किया था फॉर टाउन हॉल, और वहाँ पे आरसी जो है मर जाती है, बेस में अभी भी 2 मल्टी था भाई, पर एक मल्टी जो है उस पे चला जाएगा अपना क्या बोलते इसको स्लैमर अभी हाफ हेल्थ पे है, और उसने एक अपना ये भी लिया था हील, देख सकते हो यहाँ पे बीच में हील ड्रॉप किया उसने,
और सीसी में का ड्रैगन राइडर ने भाई दोनों मल्टी वही डाउन कर देगा अगर लूंस यहाँ पे मर भी जाते हैं तो। सो लावा तक पॉप नहीं हुआ है, दोनों आइस हाउंड्स एंड नॉर्मल जो हाउंड है। तो बहुत सही अटैक फ्रॉम TME, ये था उनके तरफ से सेकंड ट्रिपल। एंड लास्ट जो ट्रिपल किया था वो फ्रैंको ने किया था, और इस पे देख सकते हो क्वीन चार्ज लालो किया है उसने, इधर से क्वीन चार्ज स्टार्ट किया है, इधर से आरसी किंग देन स्कैटर शॉट, एक एक्सपो डाउन हो जाएगा, और वार्डन भी देख सकते हो भाई, वार्डन भी उसने यहाँ पे हीरोज़ के साथ जो है ड्रॉप कर दिया है। तो मे बी सीसी देन वो टाउन हॉल के लिए जाएगा विथ क्वीन, और भाई यहाँ पे लॉब लॉन्च आ रहा है देख सकते हो मल्टी के लिए। तो भाई ये सब अपने को भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे स्कैटर शॉट भी जो है आरसी डाउन कर लेती है। अब बेस में देख सकते हो बचा नहीं है ज़्यादा कुछ, क्वीन देखते हैं टाउन हॉल। वाह भाई वॉल ब्रेक एकदम टाउन हॉल की तरफ ही, बाकी जो है बेस के दूसरे साइड में जो है लालो स्टार्ट हो गया विदाउट वार्डन, वार्डन उसने स्टार्ट में यूज़ कर लिया था, पर बेस में बचा भी नहीं था कुछ भाई कि वार्डन की एबिलिटी की ज़रूरत पड़े उस पर। अभी लावा हाउंड भी उसका पॉप नहीं हुआ है। सो फ्रैंको के तरफ से ये उनके लिए थर्ड ट्रिपल, और ये रहा भाई राउंड ऑफ 16 जिसमें हम बाहर हो गए थे 11-13 से। सो एक बार फिर से टेबल देख लेते हैं कि राउंड ऑफ 16 के बाद क्या हुआ। ओके गाइस, सो यहाँ पे अगर हम राउंड ऑफ 16 में आते हैं, राउंड 5 मतलब जो है राउंड ऑफ 16, 256 देन 128 64 32 और ये राउंड ऑफ 16। इसमें बस 16 टीम्स बची थी पूरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उसमें जो है इंडिया की तरफ से 3 टीम्स थे, चाचा ई स्पोर्ट्स देन गेम ओवर हमारा टीम, और एक था स्पार्टन्स, यही 3 टीम्स थी, एक डार्क फिनिक्स था, सॉरी 4 टीम्स थी, माय बैड। चाचा ई स्पोर्ट्स में मे भी सारे प्लेयर्स इंडियन नहीं थे, कुछ उनमें काफ़ी सारे टॉप प्लेयर्स भी थे। वेट एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यस देख सकते हो, पर चार इंडियन टीम्स थी, और इसमें से जो है एक ही इंडियन टीम जो है आगे जा पाती है वह चाचा ई स्पोर्ट्स, बाकी जो टीम है यहाँ पे डार्क फिनिक्स आउट हो जाता है अगेंस्ट INQ, देन हम जो है आर्जन फेस्ट से हार जाते हैं, और स्पार्टन जो है चेसमैक गेमिंग से लॉस कर जाता है। फिर राउंड ऑफ 6 में आते हैं, चाचा ई स्पोर्ट्स किंग्स क्लैन से जो है लूज़ करता है। भाई ये पता नहीं कौन सा क्लैन है, पर बहुत आगे गया है क्लैन, प्लेयर्स होंगे भाई, मतलब हम नहीं जानते कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर खेल रहा है। तो GS जो है नेक्स्ट राउंड में जाता है राउंड ऑफ 8 से आगे, एंड ITP टीम VN टॉम पिनाई को हरा देता है, आर्जन फेस्ट हार जाता है चेसमैक गेमिंग से राउंड ऑफ 8 में, और यहाँ पे जो है देख सकते हो किंग्स ऑफ किंग का मैच रहता है GS से और ITP का चेसमैक से, जो ITP लूज़ करता है चेसमैक यहाँ पे विन कर जाता है, और किंग्स ऑफ किंग जो है GS को भी हरा देता है। तो टॉप 4 टीम ए है, आप समझ सकते हो, अब टॉप 4 के बाद क्या होता है कि एक नंबर 1 आता है, 2 आता है, फिर थर्ड स्पॉट के लिए ना 3 और 4 में एक वॉर होता है, और देख सकते हो थर्ड स्पॉट के लिए जो है यहाँ पे GS और ITP में वॉर हुआ था, तो ITP विन कर गया, GS नंबर 4th पे एंड किया, ITP नंबर 3rd पे एंड किया, चेसमैक गेमिंग जो है इस टूर्नामेंट को विन कर गया, किंग्स ऑफ किंग जो है नंबर 2 पे एंड किया। तो आपको समझ में आ गया होगा नंबर 1 था इस टूर्नामेंट में चेसमैक, किंग्स ऑफ किंग 2, देन ITP टीम 3rd एंड किया, एंड जो है लास्ट GS एंड किया। सो दैट कवर्स दिस टूर्नामेंट भाई, क्वालिफायर 4, और ये वीडियो भी शॉर्ट नहीं रहेगा, बहुत बड़ा हो गया वैसे, पर आई होप ये जो दोनों वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्प मिलेगा, एंड अगर TH14 हो तो आपकी टीम भी जो है आप क्रिएट करके कभी ना कभी फ्यूचर में जल्द से जल्द खेल पाओगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करके बताना कि आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा स्पेशली इस वीडियो में, क्योंकि भाई वॉर टाइम पे जो है ना ये नहीं रहता कि भाई
तो हम कितने टाइम से नहीं खेल रहे या कितने टाइम से हम छोटा टीम है बड़ा टीम है, तुम्हारे पास 5 अटैक होते हैं, इनेमी के पास भी उतने ही होते हैं, तुम थोड़ा बहुत जो है प्रैक्टिस भी किए हो, तुम्हारे अटैक्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस है, तो भाई तुम किसी भी टीम को उस दिन जो है हरा सकते हो। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और टूर्नामेंट हम अभी 2-3 आने वाले हैं, वो भी उसके भी वीडियोज़ कवर करूँगा, एंड होप करते हैं यार 1-2 विन करे, कब तक भाई टॉप 16 या सेमी क्वालिफायर्स तक ही जाते रहेंगे। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।